आपने क्यों हामी भरी, क्योंकि आपका नाम एक नामी ग्रामी डायरेक्टर के तौर पे है बॉलीवुड में, रीजन क्या है इसके बारे में बताइए। अभी ऐसे है जे सिचुएशन एक साल 2020 हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़राब आए हैं, हमारे नहीं मतलब सभी के लिए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग को सबको मालूम है। और शायद ज़िंदगी से एक साल हमारे गायब हो गए, और उसके लिए क्या हुआ था जे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा एक आपदा आया। सबसे बड़ी बात है जी, जो बड़े बड़े पिक्चर रिलीज़ होने वाले थे वो रिलीज़ हो नहीं पाए, हॉल में आज भी लोग जाने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए बाढ़ आया, सुनामी आया है, वो है OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि घर में बैठे हुए लोग बैठे हैं, उनको और कुछ देखने के लिए है नहीं, TV या कुछ मोबाइल, तो उन्होंने फिर वो पिक्चरें देखना शुरू किया जो सब OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि OTT को बहुत बड़ा एक हाइप मिला ये 2020 में, तो हम भी इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि अभी फिल्म अभी बनाने में अगर समय लग रहा है, प्लस रिलीज़ होने में भी कल क्या नया चीज़ होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगा हमें अभी मालूम नहीं, तो मैं सोचा कि OTT के लिए क्यों नहीं काम किया जाए। तो सर ये भी कहना चाहूँगा कि पैसा तो मैंने बहुत रखता है, लेकिन इसके अलावा एक ब्रांड होता है आपका, एक ब्रांड है क्लासिक फिल्म बनाने का, अपनी सबसे ऐसी सुपर हिट फिल्म दे चुके हैं, उसके अलावा कई सफल फिल्म दे चुके हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा दिमाग में कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरा ब्रांड पे कुछ इफेक्ट होगा डायरेक्टर? नहीं, देखिए अभी OTT का ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना है, आज जितने इतने लोगों इतने अच्छे डायरेक्टर भी सब यहाँ पर काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, प्लस बहुत आर्टिस्ट है जो लोग शायद घर में भी फिल्म के लिए उतना काम नहीं मिल रहा था, उन लोग को भी काम मिल रहा है, इतना टेक्नीशियंस जो लोग शायद घर में बैठे थे उनको काम मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा एक फायदा हुआ इसमें। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मीडिया में हम करते हैं, हम शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आप काम से छोटे हो गए, तो इसके लिए मुझे कभी फीलिंग हुआ। लास्टली दो छोटा सवाल है, एक तो ये है कि सेंसरशिप के बारे में काफ़ी हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि अनुपम खेड़े से कलाकार ने कहा कि एक फिल्म कलाकार या फिल्म से जुड़ा बंदा कभी OTT का बंदा कहलाना पसंद नहीं करेगा, तो कितनी देखिए इसमें कोई OTT का बंदा बोल के तो मुझे अभी नहीं लग रहा है, अभी पहला फिल्म जो OTT में बड़े फिल्म का मैं बोलूँगा अमिताभ जी का और आयुष्मान खुराना का पिक्चर आए थे, वो पहला रिलीज हुआ OTT में बड़े फिल्म का नाम लेके, गुलाबो सीताबो ऐसे कुछ नाम मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे ही नाम था, तो उसका बाद वरुण धवन का अभी रिसेंटली रिलीज हुआ, ऐसे बहुत फिल्में आए, तो अभी क्या आपको फिर अमिताभ जी को आप बोलेंगे वो OTT वाला आर्टिस्ट हो गए? ये तो हंसने वाली बात है। और अभी वरुण धवन को भी आप नहीं बोल सकते ये OTT का आर्टिस्ट हो गया, वो आज अभी भी फिल्म का आर्टिस्ट है, फिल्म का ही रहेगा, तो टोटल रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं या जो डायरेक्टर है अपने फिल्म को पर्दे पे देखने में जो उसको आनंद आता है 100%, इसमें कोई आपका ये नहीं है, ये हम पर्दे में जब देखते हैं वो अंधेरा जगह पे बैठ के एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिल्म इज फिल्म, ओके, थैंक यू।